जा रही हैं रोस्ट, जिसके लिए मैंने इस तरह से ये पीसेस ले लिए हैं। एक मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है और बाकी मैंने ये पीसेस लिए हैं। और स्पाइसेस में मुझे चाहिए होगा सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून, टिक्का मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च ली हुई है पीसी हुई 1 टीस्पून, और ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है लहसुन का पेस्ट। 2 चुटकी मैंने लिए हैं येलो कलर। तो जी चलते हैं हम अपने स्टेप 1 की तरफ। इन 2 के ऊपर मैंने कट्स लगा लिए थे और इसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से और किस जगह पे लगाना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लगा रहे हैं और यहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के सही तरह से कुक नहीं होते तो वो यही गलती करते हैं कि वो यहाँ पर कट नहीं लगाते। तो इस तरह से हम लगा रहे हैं, तो बाकी जगहों पर भी हम इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा चिकन अच्छे तरीके से पक जाता है और सारा मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है। और इसकी उल्टी वाली साइड पे हम फोर्क से इस तरह से इसके अंदर कर देंगे, ताकि सारा जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से इन सब में चला जाए। इस तरह से हमने फोर्क के साथ हमने निशान लगा लेने हैं। और इसकी उल्टी साइड पर भी हमने इस तरह 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल यूज़ डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये सारे हमने जो कट्स लगाए हैं इसके बीच में भी हमने ये डालना होगा, ताकि जो हमारा सारा मसाला है अंदर तक जाए। ये देखें, इसके सारा अंदर तक भी हम लगाएंगे। और मसाला लगा लिया है और आपने इसको रखना है ½ एन आवर के लिए फ्रिज में, ताकि सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। लेकिन मैं इसको अभी बना रही हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो आप इसके बीच में 1 टेबलस्पून सिरका और 1 लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो जी मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके बीच में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। और ये जो सारे हमने मसाला लगा के रखा है इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे 40 मिनट्स के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। स्टीम में ये पकेगा और पूरा अच्छे तरीके से ये पक जाएगा और फुल अंदर तक ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो जी मैंने इसको 40 मिनट्स लो फ्लेम पे स्टीम पे पकाया था। तो ये हमारा जो है अच्छा सा पक चुका है और ये पूरा अंदर तक गल चुका है। अब जो इसका पानी है ये हम इसको ड्राई कर लेंगे। 10 मिनट्स में इसको अब मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाऊँगी, ताकि इसका पानी अच्छा सा ड्रेन हो जाए। जी इसको मैं 10 मिनट अब मीडियम फ्लेम के ऊपर कर रही हूँ, ताकि इसका जो पानी है ये सारा खुश्क हो जाए। तो जी अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, बाकी सारा जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है। तो ये जो थोड़ा सा रह गया है इसको भी मैं पूरा खुश्क कर लूँगी, ताकि इसका पूरा मसाला जो है इनके ऊपर आसानी के साथ लग जाए। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए और हाई फ्लेम के ऊपर कर रही हूँ, और साथ साथ हम इसकी साइड्स को भी चेंज करते जाएंगे। तो ये देखें रोस्ट हमारा कितना मज़े का तैयार हो चुका है और ये फुल अच्छे तरीके से पक चुका है। और ये हमने स्टीम के ऊपर पकाया है, इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग फ्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मज़े के हमारे रोस्ट रेडी हो चुके हैं। इसको आप सैलड के साथ और रोगनी नान के साथ सर्व करें, और खाने वाले आपकी बहुत तारीफ़ करके जाएंगे और आपसे रेसिपी भी पूछ के जाएंगे। सो माई फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई रेसिपी then thumbs up and share this video with your friends and family. See you later with another exciting video.